आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने YouTube चैनल पर विदाउट फेस कैम वीडियो डालोगे तो उस केस में आपका मोनेटाइजेशन इनेबल होगा या नहीं। मीन्स अगर आप अपने YouTube चैनल पर सभी वीडियो जैसी बनाएंगे जिसमें आपका चेहरा नहीं हो, आप खुद का वीडियो नहीं बना रहे हो, मीन्स खुद नहीं शो हो रहे हो, बाकी सब आपका हो, ठीक है, और भी अदर चीजें होती हैं, उन शर्त के बारे में फुल डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना। बट उससे पहले अगर पहली बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब करनी, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। सावधानी फॉर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस देखिए, विदाउट फेस कैम वाले चैनल मोनेटाइज होंगे या नहीं, ये बहुत मुश्किल है कहना। देखिए काफी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है इसके अंदर। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन सुनिए, अगर कोई YouTube पर ऐसा चैनल है जिसने बहुत सारी वीडियो अपलोड की बट किसी भी वीडियो में अपना फेस नहीं दिखाया तो उसका मोनेटाइजेशन ऑन होगा या नहीं, तो उसका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। सब कुछ उसका होना चाहिए, सिर्फ फेस नहीं है तो हो जाएगा। मैंने क्या कहा, ध्यान सुना, सिर्फ उसने अपना चेहरा वगैरह नहीं दिखाया, बाकी हर एक चीज वीडियो में उसकी है तो मोनेटाइजेशन इनेबल होगा। इससे हमें यह पता चलता है कि YouTube चैनल पर अगर कोई अपना चेहरा कभी भी नहीं दिखाता है तो उसका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। सेकेंड चीज क्या होती है कि काफी लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं जिसमें कि वो अपना वॉइस डालते हैं, सिर्फ चेहरा नहीं दिखाते हैं, ठीक है, तो वो वाले भी मोनेटाइज हो जाएंगे। मीन्स आपने अपना चेहरा नहीं दिखाया बट वीडियो में अपनी वॉइस यूज की, फिर भी आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड चीज, अगर कोई ऐसा कंटेंट बनाएगा जिसमें उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया, अपनी वॉइस लगाई बट उसने जो वीडियो में विजुअल्स यूज किए हैं, भैया आपने चेहरा आपने दिखाया नहीं वीडियो में, तो आप वहां पर कोई फोटोज वीडियोज डाउनलोड करके यूज करोगे तो वहां पर उससे स्ट्राइक आएगी। अगर उसकी खुद की कोई फोटो या वीडियो नहीं होगी या जो वो फोटोज वीडियोस विजुअल्स यूज करेगा वीडियो में, तो वो अगर कॉपीराइटेड हुए, ठीक है, कॉपीराइट फ्री नहीं हुए और उस पर कॉपीराइट आ सकता है, और अगर उस पर कॉपीराइट आएगा मींस मैंने क्या कहा, पूरे चैनल पर इसी तरीके से काम किया तो उसका चैनल बंद हो जाएगा 3 स्ट्राइक आने के बाद, ठीक है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, आपका फेस हो वीडियो में या ना हो ये चीज डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ये करता है कि आपका जो कंटेंट है उसमें आप ही की क्रिएटिविटी है या नहीं, ठीक है। आपका वॉइस होना चाहिए और जो आप फोटोज वीडियोस वगैरह यूज कर रहे हो वो कॉपीराइट फ्री होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कॉपीराइट फ्री कैसे डाउनलोड करते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब काफी लोग क्या करते हैं, वो ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, ठीक है, तो उसका भी मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाता है क्योंकि वो अपने फोन की स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन शो करते हैं और उसमें अपनी वॉइस भी लगाते हैं, ठीक है, और जो चीज वो कंप्यूटर में करते हैं उसके साथ साथ अपनी वॉइस भी चलाते हैं, तो उस केस में पूरे का पूरा कॉन्टेंट उन्हीं का होता है और मोनेटाइज हो जाते हैं। जो कुकिंग चैनल्स होते हैं उसमें भी कभी फेस नहीं दिखाते हैं कोई, है ना, खाना बना दिखा रहे हैं, अपनी वॉइस लगा रहे हैं, वो भी चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं। उसी तरीके से जैसे कि स्टडी चैनल्स होते हैं वो भी अपना फेस नहीं दिखाते, काफी बार पूरा बोर्ड पर फिक्स कर देते हैं कैमरा और उसके बाद सब कुछ दिखाते हैं, उनका हाथ दिखता है बट वो खुद नहीं दिखते हैं, ठीक है, बस उनका वॉइस उनका होता है, क्रिएटिविटी उनकी होती है, वीडियो उनकी होती है बट चेहरा नहीं दिखता है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, डिपेंड नहीं करता कि आपका चेहरा दिख रहा है या नहीं, डिपेंड ये करता है कि कॉन्टेंट आपका होना चाहिए, आपकी वॉइस होनी चाहिए, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक्स होने चाहिए, कॉपीराइट फ्री वीडियो होनी चाहिए, कॉपीराइट फ्री इमेजेस होनी चाहिए, उसके बाद आपका चैनल डेफिनेटली मोनेटाइज हो जाएगा। सो गाइस उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का जवाब आपको आज के इस वीडियो में काफी अच्छे समझ में आया होगा कि विदाउट फेस कैम चैनल मोनेटाइज होंगे या नहीं। दोस्तों बस कल मिलते हैं देखने का, बहुत धन मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी, अगर पसंद है तो लाइक कर सकते, कमेंट करें, मैं हर हिसाब से मुलाकात करता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।